तुम क्यों आए हैं? नहीं, ये जो आज सुबह से एक ये अफवाह फैली हुई है कि आशुतोष महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्मलीन तो हमेशा ही है, संत महापुरुष कब ईश्वर में लीन नहीं रहे, वो तो हमेशा ही ईश्वर में लीन रहे हैं। परंतु ये जो ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि वो शरीर छोड़ गए और ये हुआ, ये पूरी तरह से संस्थान का खंडन करता है और हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हमने पहले भी ये सब चीजें देखी हैं और हमारे समस्त शास्त्र और ग्रंथ इन चीजों से भरे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, वो क्लिनिकली जिसको डेड घोषित कर दिया जाता है। रामकृष्ण परमहंस को डॉक्टर्स कितनी बार, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स आके उनको चेक कर चुके थे और वो सामने बात कर रहे होते थे पर उनकी पल्स हार्ट बीट सब रोक लेते थे वो साथ ही साथ बात करते करते। तो ये सब चीजें, विज्ञान इन चीजों को नहीं समझ पाता परंतु अध्यात्म विज्ञान में ये सारी चीजें प्रूव होती हैं, ये सारी चीजें साबित होती हैं। तो आशुतोष महाराज जी भी जो पहले भी कई बार इस प्रकार से गहन ध्यान की स्थिति में गए हैं जहां पर हमारी पल्स जीरो हो जाती है, जहां पर हमारी हार्ट बीट जीरो हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, इवन ईईजी और ईसीजी तक न्यूट्रल हो जाती है, परंतु वो फिर उसमें वापस आ जाते हैं, उस स्थिति में वापस आ जाते हैं। तो क्या नहीं, ऐसा अगर वो ध्यान में है तो उनसे मिल तो कोई सकता ही नहीं वैसे भी, परंतु वो ध्यान में जहां बैठे हैं वहां पर सेवादार हैं, वो अपनी ड्यूटी पर हैं। बिल्कुल, इसका डॉक्टर मेडिकल चेकअप हुआ है, क्लिनिकली उनको क्लिनिकली उनकी सारी नर्व सब कुछ न्यूट्रल है, उनमें पल्स नहीं है, ना हार्ट बीट है ना पल्स है। परंतु अगर इसको स्पिरिचुअली देखा जाए तो स्पिरिचुअल साइंस मेटाफिजिक्स ये कहती है कि मेटाफिजिक्स के अनुसार वो चीजें वापस रिवाइव हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं। इसलिए वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, और हमें पूरा विश्वास है और हमने देखा है और कितने लोगों ने ये चीज इतिहास में भी देखी है। योगानंद परमहंस थे, वो अपने शरीर छोड़ जाते थे, लहरी महाशय थे, वो अपना शरीर छोड़ जाते थे तो और फिर वापस उसी शरीर में आ जाते थे। तो ये घटनाएं इतिहास में पहले भी हुई हैं, आज कोई नई घटना नहीं हो रही, पर लोगों को क्योंकि ये सब चीजें देखी हुई नहीं है तो उनको एक बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली घटना लगती है। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, मेडिकल डॉक्टर्स ने तो उनको कैसे, डॉक्टर्स ने क्या किया? डॉक्टर्स ने जब डॉक्टर ने क्लिनिकली जो चेक किया, क्लिनिकली उनको उन्होंने जो सिम्टम्स बताए हैं, उन्होंने कहा कि सब चीजें शून्य हो चुकी हैं, पल्स शून्य है, हार्ट बीट शून्य है, सब कुछ शून्य है, परंतु वो चीजें रिवाइव हो जाती हैं। नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल जी, अलग अलग हॉस्पिटल से थे, फोर्टिस से थे, अपोलो हॉस्पिटल से थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, हम अपनी रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है ना। महाराज जी ने पहले एक बार हुआ है, लगभग 12-13 साल पहले हमने एक बार देखा था और तब 3 दिन के लिए हुआ था, एंड स्टिल वी कांट कन्फर्म एनीथिंग कि कितने दिन होगा, क्या होगा, ये तो श्री आशुतोष महाराज जी के ऊपर है, गुरु महाराज जी के ऊपर है कि वो कितने दिन में। हाँ जी, हम नहीं समय लेंगे, हम तो नहीं इसी आश्रम में ध्यान में, हाँ इस आश्रम में जहाँ रहते थे हमारे जी, उसी रूम में, उसी कुटिया में ध्यान में, ठीक है, कोई नहीं जाता, कॉर्डन ऑफ एरिया वो अलग ही है हमारे जी वहाँ पे। हमारे जी कभी मीडिया से आपने कभी नहीं देखा होगा, हमारे जी के कभी परिचय करते हैं वो कभी नहीं आते हैं। चलिए वो तो जब उनकी इच्छा होगी तो वो दर्शन देंगे, लेकिन हम लोग कुटिया के दर्शन, ये आश्रम के दर्शन कीजिए, यहीं पे हमारे जी रहते हैं, यहीं घूमते हैं, यहीं सब चलते हैं, ठीक है जी, ओके। ये तो आज परसों नहीं आया, कल का भी दिन निकल गया, आज वो क्लाइंट ही था, सुबह सुबह मुझे भागना पड़ा इमीडिएटली, ये क्या हो गया।
हाँ जी मारी जी का बहुत लंबी एक वो उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा एक इतिहास हो जाएगा, पूरी बायोग्राफी हो जाएगी। नहीं मारी जी ने ना अपने विषय में कभी कोई चीज रिलीज ही नहीं करवाई। मारी जी कहते मेरा प्रचार नहीं करना, इसलिए मारी जी कभी खुद आपने देखा होगा मीडिया के सामने नहीं आए। मारी जी अपने आप को हमेशा अपने आप को रिवील नहीं करते। मारी जी का एक ही सिद्धांत है जो हमारे ग्रंथ के सिद्धांत की था कि आप मेरे बारे में जानो। आज कितने लोगों के जन्म दिवस मनाए जाते हैं, कितने संत महात्मा है जिनके जन्म दिवस मनाए जाते हैं, और खुद ही अभी भी इस समय भी हमारी 25-30 कथाएं चल रही हैं और बड़े बड़े स्तर पे, हरिद्वार में चल रही है, ऋषिकेश में हमारी कथा चल रही है, उड़ीसा में कथा चल रही है, तो सब जगह इतने कार्यक्रम चल रहे हैं। और महाराज जी हमेशा बिल्कुल सबको डायरेक्ट करते हैं।